हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। प्रवीण चौधरी यानी कि आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को तहे दिल से नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि एकदम बढ़िया होंगे, अच्छे तरीके से आपकी पढ़ाई जो है वो चल रही होगी दिसंबर एग्जाम्स के लिए, एंड जो बच्चे CSEET में हैं उनके नवंबर एग्जाम्स के लिए। सर, आज क्या मुद्दा है सर आपका कि आप यहाँ वीडियो लेके हमारे सामने आए हैं? तो ध्यान दीजिएगा, मुद्दा जो है वो बहुत ही गंभीर है, बहुत ही गहन है, और आपके जो पैसे हैं उसको बर्बाद होने से बचाने के लिए। अभी पिछले दो दिनों के अंदर आई जस्ट केम टू नो एंड आर होल टीम ऑफ CSEET इंडिया जस्ट केम टू नो कि देयर आर सम पीपल जो कि हमारी वेबसाइट का नाम यूज करके, यानी कि CSEET जो है, CSEET इंडिया जो है उसका नाम यूज करके दे आर डूइंग ऑनलाइन फ्रॉड। अभी कल परसों की बात है, सम स्टूडेंट जस्ट कॉल्ड एंड दे सेड कि सर हमने बुक्स का ऑर्डर किया था लेकिन अभी तक हमारे पास में बुक्स नहीं आई। तो हमने कहा कौन सी वाली बुक्स? बोले CSEET की बुक्स। तो हमने कहा सर CSEET की बुक जो है वो तो हम लोग प्रोवाइड करते ही नहीं, मतलब वी आर नॉट सेलिंग एनीथिंग इनटू द CSEET। आप सभी लोग जानते हैं कि CSEET में चाहे रेगुलर क्लासेस की बात कर लीजिए, चाहे मैराथन क्लासेस की बात कर लीजिए, चाहे नोट्स की बात कर लीजिए, चाहे जो मैंने चार्ट बनाए हैं वो चार्ट्स की बात आप कर लीजिए, ठीक है, हर एक चीज जो है वो टोटली एंड कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को प्रोवाइड करी गई है। और कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे आके CSEET इंडिया की तरफ से आपने ये नहीं सुना होगा कि CSEET के लिए एक सिंगल रुपया भी आपसे चार्ज किया जाएगा। तो ये एक चीज वहां पे। फिर कुछ बच्चे ये भी बोले कि सर जो बुक आपने प्रोवाइड की उसमें मिस्टेक्स हैं, जो CSEET की बुक आपने प्रोवाइड की। तो हमने कहा भाई साहब, हमने तो CSEET के लिए कोई प्रिंटेड मटेरियल आज तक किसी को इशू भी नहीं किया। मैंने कहा कौन सी चीज की बात आप यहां पे करो? बोले सर आपके यहां पे जो भी आपके टीम जो है उनसे हमारी बात हुई है, बोले, और उन्होंने ऐसा ऐसा हमको बताया। मैंने कहा दिखाइए मैसेज वगैरह, दिखाइए या जो भी आपकी बात हुई होगी उसके बारे में हमें बताइए। तो देखिए बकायदा यहां पे अगर आप देखोगे तो कुछ लोगों के बकायदा यहाँ पे चैट्स वगैरह हैं जो कि उन लोगों के साथ में हुए हैं जिनका CSEET इंडिया से कहीं कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा, बकायदा इन लोगों ने एक पैम्पलेट टाइप यहाँ पे बनाया हुआ है जिसमें दे आर सेइंग कि CSEET की बुक्स जो हैं वो 50% ऑफ पे दे आर प्रोवाइडिंग, ठीक है। तो किसी ने पूछा कि इज इट कंपल्सरी टू बाय, मतलब मेरे ऑफिस में पूछा गया होगा, दे सेड कि नहीं, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, इसको परचेज करना जरूरी नहीं है। लेकिन फिर दे सेड कि सर हमारी आपके यहां पे ही बात हुई थी जिसमें कि आपके यहां से मैसेज आया कि दिस इज द लिंक, और फिर मैसेज आया है आज सुबह ही, हेलो शिवम, योर ऑर्डर इज स्टिल पेंडिंग फॉर CSEET बुक्स, वाई? तो शिवम नाम का जो स्टूडेंट होगा उसने रिप्लाई किया, बिकॉज मेरे पास में ऑलरेडी स्टडी मटेरियल है जो कि ICSI का है, एंड कोई एकेडमी भी है जिनके नोट्स उनके पास में है, एंड इवन MCQs भी हैं। तो सामने वाला बंदा जो कि CSEET के नाम पे बात कर रहा है उसका रिप्लाई देखिए क्या आता है। एवरीबडी हैव द PDF फ्रॉम द मॉड्यूल बट दीज मॉड्यूल्स आर नॉट इनफ फॉर योर CSEET। मॉड्यूल आर नॉट इनफ फॉर CSEET एग्जाम, ठीक है, आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर CSEET एग्जाम्स बिकॉज आपको सारे क्वेश्चन बुक्स से आएंगे, एग्जाम में बुक्स में है आपके। अरे यार ये तो लैंग्वेज कितनी अनप्रोफेशनल लिखी हुई है, ऐसे कौन लिखता है यार, ठीक है। इसलिए आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, अदरवाइज आपको ही प्रॉब्लम होगा एग्जाम में। हे भगवान, इन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि मेरे भाई अगर आपने कोई बुक बनाई है मेहनत करके तो आप अपने नाम पे उसको प्रमोट करो, उसको मार्केट करो, उसको दो बच्चों को प्रोवाइड करो अगर आपने कोई अच्छा काम किया है तो। लेकिन दूसरों के नाम पे फ्रॉड करने का क्या सेंस बनता है, क्या मतलब आता है? और उसमें भी आप ICSI का जो मॉड्यूल है जो कि हमारे लिए भगवान है, अरे प्रवीण चौधरी उसी मॉड्यूल में से पढ़ाया है बच्चों को, हैं? और CSEET इंडिया के नाम पे आप यहां पे ये कह रहे हो कि नहीं नहीं ICSI का मॉड्यूल इंपॉर्टेंट नहीं है वगैरह वगैरह। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये मैसेज मैं सारे लोगों को देना चाहता हूं, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि आज तक किसी स्टूडेंट को हमारी तरफ से ये नहीं कहा गया है कि आप हमसे परचेज करो, किसी और से परचेज मत करो, ठीक है, या ना ही किसी और एकेडमी के बारे में ये कहा गया है कि वो लोग अच्छा नहीं पढ़ाते, हम लोग अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा करते नहीं ना सर। एवरी पर्सन इज डूइंग देयर वर्क, चाहे किसी भी वेबसाइट की बात कर लीजिए, हर कोई बंदा अपने अपने तरीके से एथिकल वाला काम जो है वो कर रहा है, एंड वी पीपल हैव नो इश्यू विद दैट एट ऑल। अगर हम लोग मेहनत करेंगे तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे, अगर कोई और मेहनत करेगा तो उनके साथ जुड़े रहेंगे जिनके ऊपर आपको फेथ रहेगा, सिंपल सी बात है। तो किसी और की टांग खींचना ये हमारी आदत नहीं है।
एक सर से तो बकायदा उन्होंने, सर इज इट इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बाय सीएसडब्ल्यूटी बुक्स बिकॉज आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम सीएस कार्ट। अटैक आ गया मेरे को एकदम, सीएस कार्ट से मैसेज आया है दैट नोट्स फ्रॉम आईसीएसआई एंड सो एंड सो एकेडमी जो भी होगी इज नॉट इनफ, यू नीड टू बाय द बुक्स एंड आई एम स्टडिंग फ्रॉम द नोट्स प्रोवाइडेड बाय द आईसीएसआई। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ऐसे केस में उन्होंने रिप्लाई किया, लॉल हु वॉज दिस जेंटलमैन टू टेल यू दिस, ICSI is the mother institute, so the material provided by them plus the monthly update given by them is everything. I don't think any classes above ICSI. हम भी यही मानते सब। इस बात का पूरा प्रूफ है आपके पास में YouTube के ऊपर कि जितना भी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया गया है सारा का सारा मॉड्यूल में से ही किया गया है, पूरे के पूरे जो रेगुलर वाले क्लासेस है वो मॉड्यूल में से प्रोवाइड किए गए आपको, ना ही हमारी वेबसाइट पे, ना ही यूट्यूब चैनल के ऊपर, ना ही ऐप के अंदर कहीं पे भी आपको किसी भी टाइप का कोई भी मार्केटिंग जो है सीएसडब्ल्यूडी के क्लासेस के लिए नहीं मिलेगा कि इतने रुपए में इतना अवेलेबल है, ऐसा कुछ तो पहली बात। दूसरी बात ये मैं सभी से कहना चाहूंगा कि सीएस कार्ट इंडिया के अगर मैं कॉन्टेक्ट नंबर्स की बात करूं, ओनली दीज आर द कॉन्टेक्ट नंबर्स, Only these are the contact numbers, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहली बात तो ये कि ये हमारा लोगो है, इस लोगो को अच्छे से देख लीजिए, बहुत ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट वाली बात। ना ही तो जब आप सीएस कार्ड इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, ना ही तो हमारे नाम के सामने यहां सीए लगा हुआ है, पहली गलती मत कीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात सर, हमारे नाम में पीछे इंडिया लिखा हुआ है, ठीक है साहब। दूसरी बात ये, ना ही हमारे नाम के पीछे में कोई टेस्ट सीरीज लिखा हुआ है, ये भी ध्यान दीजिएगा, ना ही हमारे नाम के पीछे में कोई टेस्ट सीरीज लिखा हुआ है, गॉट द पॉइंट। तो जब आप यहां कोई भी इंटरेक्शन करते हैं पूरा नाम आपको प्रॉपरली देखना यहां पर जरूरी है। हमारा वेबसाइट का जो नाम है, हमारा जो ट्रेडमार्क है, वो सिंपल तरीके से क्या दिया गया है आपको, सीएस कार्ट इंडिया। पूरा नाम क्या है, CSCART INDIA। हो सकता है कि आगे चल के गलत फायदा उठाने के हिसाब से देर विल बी पीपल जो कहेंगे कि CSKART। अरे ये पढ़ा है ना अपन ने, क्या बोलते हैं, जब आप इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के बारे में बात करते हो, ठीक है, तो लोग ट्राई करते हैं कि कोई तो भी रिजेम्बलिंग नेम जो है उसको बना लेते हैं और बना के अपना बिजनेस करने के बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्टूडेंट को ध्यान रखना है कि आप किससे इंटरेक्ट कर रहे हो, स्पेलिंग जो है उसको भी ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, आपका जो पैसा है वो गलत हाथों में नहीं पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको किससे परचेज करना है किससे नहीं करना है, अगर आप किसी और से परचेज करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, लेकिन अगर आपकी बात इन कॉन्टेक्ट नंबर से नहीं हो रही है, पहली वाली चीज। दूसरी बात, अगर वेबसाइट ये वाली नहीं है, देख लीजिए आंखों में अच्छे से बैठा लीजिए, कलर कॉम्बिनेशन देख लीजिए, लोगो जो है उसको भी देख लीजिए और पूरा का पूरा नाम जो है उसको भी देख लीजिए, CSCART INDIA सीएस कार्ट इंडिया, ये पूरा नाम है हमारी वेबसाइट का, ठीक है। और वेबसाइट्स बस यही एक वेबसाइट है जो इस तरीके की आपको यहां पे दिखाई देती है। अंडरस्टूड द पॉइंट, डन। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर मैं यहां ऐप की बात करूं तो दिस इज द ऐप ऑफ सीएस कार्ट इंडिया, ये अच्छे तरीके से अपने जहन में बैठा लीजिए, दिस इज द ऐप ऑफ सीएस कार्ट इंडिया जो कि फिलहाल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, कुछ दिनों में iOS पे भी आ जाएगा, लेकिन फॉर्मेट जो होगा वो यही वाला रहेगा, इसके अलावा कोई और नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा मतलब थीम लगा लीजिए या फिर आप नाम लगा लीजिए, सिंपल सिंपल सी बात है भाई साहब, एक ही चीज है, अगर आपको देखना है तो नाम क्या रहेगा, CSCART INDIA सीएस कार्ट इंडिया। Understood the point? तो इस नाम से ही आपको क्या करना है, कोई भी परचेज जो है वो यहां पे सिंपली करना है। Understood the point? और YouTube चैनल की बात अगर मैं करूं तो उससे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप फैमिलियर हैं, इसी वजह से आप यहां पे ये वीडियो जो है उसको देख पा रहे हैं, दैट्स इट। एंड हाँ, जो कुछ और लोग हैं जो कि हमारे नाम का फायदा उठा के अपना धंधा जो है वो चलाना चाहते हैं, अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं, उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मालिक हम लोग अपनी मेहनत यहां पे कर रहे हैं, हमें हमारी मेहनत करने दीजिए, और हम यही दुआ करते कि आप भी अपनी मेहनत कीजिए और आप अपने नाम से ही आगे बढ़िए, हमारे नाम को पीछे धकेल के प्लीज कोई भी काम मत कीजिए, इससे हम तो आपका शायद कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन कर्मा जो होता है ना,
वो आपने इंग्लिश में एक डायलॉग तो सुना होगा ना, कर्मा इज डैश डैश डैश, राइट। तो वो कहीं कुछ गलत आपके साथ में ना कर दे, प्रॉब्लम जो है वो यहां पे हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, बाकी सभी बच्चों से मैं कहना चाहूंगा कि मेरे सर पे आपको लोगो भी दिखाई दे रहा होगा सीएस कार्ट इंडिया, और हमारी कोई ब्रांचेस नहीं है। अंडरस्टूड द पॉइंट? दैट्स इट, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।